देखिए, एनडीआरएफ का मिशन जिंदगी लगातार जारी है। 24/7 ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। यूपी में सैलाब संकट के बीच में एनडीआरएफ ने मोर्चा हाथ में ले लिया है, संभाल लिया है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में कलेक्टर और एसपी भी एक्शन में आ गए हैं। बेतवा नदी ने 1965 का रिकॉर्ड तोड़कर हाहाकार मचा रखा है। आइए देखते हैं कि कैसे आपदा प्रबंधन की टीमें इस आफत काल में देवदूत बनकर लोगों की सहायता कर रही हैं। आधा हिंदुस्तान इस समय कुदरत का कहर झेल रहा है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जहां ना तो मदद के लिए कोई पहुंच पा रहा है और ना ही वहां फंसे लोग खुद से सुरक्षित जगहों पर पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीमें और लोकल प्रशासन मिलकर उन्हें निकालने के लिए जी जान की बाजी लगा रहे हैं। जल प्रलय से उत्तर प्रदेश और औरैया जिले भी अछूते रही हैं। यहाँ यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। जिले के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिकरोड़ी, गोहानी, कला और बरेड़ा गांव में हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोग अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम इन गांवों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ऐसी ही एक तस्वीर औरैया के बनेड़ गांव से सामने आई है। यहां एनडीआरएफ की टीम ने एक 80 साल के बुजुर्ग का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। आपदा प्रबंधन की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान भी पहुँचा रही है, ताकि लोगों को इस आफत काल में कुछ सहायता मिल सके। यहाँ पर तीन गांव में हम यहाँ से रेस्क्यू टीम गई, जिसमें हमने मेडिकल टीम को भी छोड़ा और गांव वालों को भी यहाँ से उस साइड पार करवा रहे हैं। उनके पालतू जानवरों को निकाल के ला रहे हैं। लोगों को जो फंसे हुए हैं उनकी राहत सामग्री है वो उधर से, यहाँ से उनके घरों के लिए हमने सामान भिजवाया, राशन भिजवाया है। इसके अलावा पॉलिथीन वगैरह, उनके टेंटेज की व्यवस्था की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश भी पानी पानी है। सूबे के सभी डैम फुल हो चुके हैं। रायसेन जिले में बेतवा नदी ने जो तांडव दिखाया है, उससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें समंदर बन चुकी हैं। इन इलाकों का संपर्क पूरी तरह से जिला मुख्यालयों से टूट चुका है। सैलाब में फंसे लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रशासन ग्रामीणों तक खाने से लेकर दवाइयां तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। रायसेन के कलेक्टर और एसपी खुद एक्शन में हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं। बस उन्हें इंतजार है कि कब ये जल प्रलय थमे और गांवों से पानी निकले, ताकि वो फिर से सुकून की सांस ले सके और अपने आशियानों में जा सके। औरैया से सूर्या शर्मा, रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।